भारत में मौजूद प्राचीन बौद्ध गुफाओं और स्तूपों की बात करें तो हर किसी के मन में अजंता और एलोरा का ही नाम आता है। अजंता और एलोरा महाराष्ट्र में है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मध्य प्रदेश में भी एक जगह ऐसी है जो अनेक मामलों में अजंता और एलोरा के समान है। जी हाँ, धर्मराजेश्वर, मध्य प्रदेश का अजंता एलोरा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के धर्मराजेश्वर की। धर्मराजेश्वर मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की गरोट तहसील के गांव चंदवासा से 3 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसा स्थान है जो प्राचीन समय में भारत की बेहतरीन कारीगरी और इंजीनियरिंग का प्रत्यक्ष प्रमाण है। मंदसौर जिला मुख्यालय से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थापित यह मंदिर और इसकी शिल्पकला की तुलना एलोरा के कैलाश मंदिर से की जाती है। बात करें इस मंदिर की बनावट को लेकर तो यह दुनिया का पहला ऐसा मंदिर होगा जिसके शिखर का निर्माण पहले किया गया और नीचे का हिस्सा बाद में बनाया गया। तो आइए चलते हैं इस मंदिर की तरफ। पहाड़ी पर भगवान शिव और विष्णु का यह अद्भुत शैलोत्कीर्ण मंदिर और इसके पास बौद्ध धर्मावलंबियों की बहुत सारी गुफाएं हैं। जैसा कि हमने बताया, इस मंदिर की बनावट शैलोत्कीर्ण शैली की है। तो शैलोत्कीर्ण शैली का मतलब है कि किसी बड़े पत्थर या चट्टान की सतह का कुछ भाग काटकर, तराशकर या रगड़कर बनाई गई कोई आकृति। इस मंदिर की बनावट इस तरह से की गई है कि यह मंदिर तब तक दिखाई नहीं देता जब तक कि हम इसके करीब नहीं पहुंच जाते। इस मंदिर का निर्माण एक विशाल चट्टान को खोद कर किया गया था। यही कारण है कि जब इस मंदिर को बनाने के लिए चट्टान को खोदना शुरू किया गया होगा तो शिखर का निर्माण पहले हुआ और गर्भगृह का बाद में। इस मंदिर का निर्माण काल 8वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। इस मंदिर में जाने के लिए रास्ता भी चट्टान को खोदकर ही बनाया गया है। मंदिर के निर्माण में ना तो चूने का उपयोग किया गया, ना ही पत्थरों को जोड़ा गया, क्योंकि एक ही चट्टान को तराशकर उसे एक पूरे मंदिर का रूप दिया गया है। इसकी कलात्मक विशेषता यह भी है कि जमीन से नीचे होने के बावजूद सूर्य की पहली किरण इस मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचती है। यह मंदिर 7 छोटे-छोटे मंदिरों से घिरा हुआ है, जिसमें भगवान विष्णु के अलावा अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी स्थापित है। धर्मराजेश्वर का यह मंदिर भगवान शिव और भगवान विष्णु को समर्पित है। मंदिर के गर्भगृह में एक शिवलिंग विद्यमान है तथा भगवान विष्णु की चतुर्भुज प्रतिमा भी इसी गर्भगृह में स्थापित है। भगवान विष्णु की यह चतुर्भुज प्रतिमा चंबल नदी से प्राप्त हुई थी। इस विष्णु प्रतिमा को चुराने के लिए 2 से अधिक बार प्रयास भी किए जा चुके हैं, लेकिन कोई भी इस प्रतिमा को अपने स्थान से हिला तक नहीं पाया। धर्मराजेश्वर मंदिर परिसर में ही एक छोटा कुआं भी है। ऐसा माना जाता है कि इस कुएं का पानी अपने आप में औषधीय गुणों वाला है, जिससे चर्मरोग ठीक होते हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालु इस पानी से हाथ पैर भी धोते हैं और इस पानी का औषधि के रूप में सेवन भी करते हैं। जगह की खोज
कर्नल जेम्स टॉड ने 1821 में अपनी बूंदी से उदयपुर यात्रा के समय की थी। कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी एक किताब अनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में इस जगह को लेकर वर्णन किया है। इस जगह के बारे में जो कुछ भी कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी किताब में लिखा वह स्थानीय कहावतों और लोक कथाओं पर आधारित था। राजेश्वर मंदिर से दक्षिण दिशा में प्राचीन बौद्ध गुफाएं भी मौजूद है। स्थानीय लोग इन गुफाओं को भीम का मगरा नाम से भी पुकारते हैं। इन गुफाओं को धमनार की गुफाओं के नाम से भी जाना जाता है। एक लोक कथा के अनुसार पांडवों का भाई भीम चंबल माता से, जो कि यहाँ पर नदी के रूप में प्रवाहित होती है, प्रेम कर बैठा और उनसे विवाह करना चाहता था, परंतु चंबल माता यह विवाह नहीं करना चाहती थी। इसलिए चंबल माता ने भीम से एक रात में सुंदर महल बनाने की शर्त रखी। चंबल माता से विवाह करने के लिए भीम ने यह शर्त स्वीकार कर ली और उसी रात महल बनाने में जुट गया। भीम ने कुछ ही घंटों के समय में बहुत अधिक निर्माण कर लिया था, जिससे चंबल माता डर गई और उन्होंने मुर्गे का रूप धारण करके सूर्योदय से पहले ही बांग लगा दी। मुर्गे की आवाज सुनकर भीम को लगा कि सुबह हो गई और वह निराश होकर वहीं लेट गया। स्थानीय लोगों के अनुसार छोटा बाजार नामक गुफा में जो दीवार पर लेटी हुई आकृति है वह भीम की ही है। धमनार स्थित इन बौद्ध गुफाओं का निर्माण चौथी शताब्दी के आसपास माना जाता है। इन गुफाओं का प्राचीन नाम चंदनगिरी महाविहार भी था। हालांकि इन गुफाओं से कूड़ा करकट हटाने का काम 1961 में शुरू किया गया। साफ सफाई के दौरान इन गुफाओं से एक पकी हुई मिट्टी की मुहर प्राप्त हुई, जिस पर चंदनगिरी महाविहार शब्द उत्कीर्ण था। इसी मुहर से इन गुफाओं के प्राचीन नाम के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकी। इन गुफाओं से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर चंदवासा नामक गांव भी है। हो सकता है कि इस गांव के नाम की खोज चंदनगिरी महाविहार शब्द पर ही आधारित हो।
धर्म राजेश्वर और धमनार की प्राचीन बौद्ध गुफाओं को लेकर आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।